कितनी चबर चबर करते हैं जी, इतनी धूप है, धूप में खड़े हैं, इतनी धूप है जी, 10 बज गए, कब आएंगे शंकर सर? ओ देखो आए आए आए, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? तुम क्यों इतने सावले सावले दिखते हो? क्या बताए बबीता जी, ना तो मेरा पार्लर शुरू था और ना ही कुछ, ना ही मैनिक्योर किया, ना ही पेडिक्योर किया और ना ही फेशियल किया, चेहरा तो सावला पड़ना ही था। आपका आ गया राशन? हाँ हाँ, 3 महीने मुफ्त में मिल गया, अभी और 5 महीने मिलने वाला है बोलते। अरे मेरे को ऐसा लगता है कि ये कोई कोरोना वोरोना नहीं, ये सब सरकार की चाल है ऐसा लगता है। ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, ये सिर्फ इसकी हवा बनाई गई है। हाँ वैसे भी ये कोरोना वोरोना कुछ भी नहीं है, वैसे तो जिनको मरना था वो मर गया, हम लोग तो सही सलामत है ना, इसलिए तो हम यहाँ हैं। नमस्ते 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 सर। कैसा रहा आप सभी का वैकेशन? कैसे गए आपके 3 महीने की छुट्टियाँ? काय का वैकेशन था सर, वो काय की बीमारी थी, सब हमको लगा कि ये बीमारी आएंगी, खेलेंगी कूदेंगी, ये तो ऐसी आके बैठ गई बीमारी कि जैसे राशि में ग्रह आके बैठता ऐसी बैठ गई। मेरा तो अच्छा रहा 3 महीने, क्योंकि मुन्नी के पिताजी ने 3 महीने दारू नहीं पी। मेरा तो बहुत बोर गया लॉकडाउन, मैं तो सिर्फ सब्जी का लाती थी, राशन के चावल लाती, इडली बना के खाती। ये तो सबके लिए था। मैं तो कुछ कर ही नहीं पाई, मेरा क्या, मेरा तो पार्लर ही खुला नहीं था। आप शहर नए हैं, पहली बार आए हैं? जी सर, मेरा नाम तपस्सुम बाना है, मेरे लिए माहौल नया है, लेकिन मेरी बात सर से हो चुकी है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। वैसा कैसा रहा आपका ये लॉकडाउन? क्या बताए सर, कोरोना ने बहुत कुछ दुख दिए, मेरे बहन बहनों ही दोनों ही डॉक्टर थे, कोरोना के पेशेंट को बचाते बचाते उन दोनों की ही मौत हो गई। अभी दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी अब मेरी है। बहन, तुम्हारे साथ जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था, तुम्हारी बहन और बहनोई देश के लिए अच्छा काम करके गए हैं, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, गर्व। शांत हो जाओ बहना, शांत हो जाओ।
अच्छा किया, ये परिवार है, अभी तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी हमारी भी है, बस तुमको अभी कड़ी मेहनत करना है। ये कोरोना सिर्फ अकेले हमारे लिए नहीं आया है, ये पूरा देश, समाज और पूरी दुनिया के लिए आया है। सिर्फ इंसान ही नहीं तो कई जानवर भी इससे ग्रस्त हुए हैं, ये हमने देखा है। वो इंसान कोई काम का नहीं है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं और समाज हमसे बनता है, सिर्फ बातों से नहीं बनता। अभी अनलॉकडाउन हुआ है, हम जो काम करते हैं हमें करते रहना है, इसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग हमें मेंटेन करना है, मास्क पहनना है, हो सके तो हमें शील्ड भी पहनना है। अभी बाकी दुनिया को समझाने का टाइम हो गया है खत्म, सबको अपनी अपनी जान बचानी है, सिंपल एज दैट। क्योंकि अभी लॉकडाउन हो गया है खत्म, सबको अपनी अपनी रक्षा करना है, जिसकी कीमत में होगा वो बचेगा। गवर्नमेंट ने बोल दिया, डॉक्टर ने बोल दिया, पुलिस ने बोल दिया, एनजीओ ने समझा दिया, काउंसलर ने समझा दिया, ये सब तो हो गया। जब गवर्नमेंट ने इसका प्रादुर्भाव रोकने के लिए कन्वर्सेशन किया तो कई बुद्धिजीवियों ने अपने दिमाग से इसका अंदाजा लगाया, हमें ये पछड़े में नहीं पड़ना है, ऐसा नहीं है कोई गलती से गफलत से मरेगा, जो मरेगा अपना देर शाहनापन दिखाने के लिए मरेगा। गवर्नमेंट ने समझा दिया है, पूरी तरीके से काउंसिलिंग कर दी है। जिसको अपने जान का जोखिम है, मैं फिर से कह रहा हूँ, जिसको अपने जान का जोखिम है वो फोन पे काम करे, नो डाउट। आप घर से बाहर निकलो, लेकिन जब भी घर से बाहर निकलो तो पूरा फेस पैक करके निकलो। WHO ने, डॉक्टरों ने जो वॉशिंग इंस्ट्रक्शन दिया है उसको फॉलो करो, ताकि आपको कोई जान का रिस्क ना रहे। आप सभी घर में रोज उबला हुआ पानी पिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाले ड्रिंक पिए, गर्म पानी की बोतल अपने साथ हमेशा रखें, ये फेज भी निकल जाएगा। हाँ, जरूर ये फेज भी निकल जाएगा, और एक डेढ़ महीने में नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रूव हो चुका है कि आने वाले दिनों में ये नंबर और तेजी से बढ़ेंगे। क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुलता है लोग पागल जैसे बाहर निकल जाते हैं, और 15 दिन में ही ये पता चल जाता है कि एक पीक आ जाता है, प्लॉट आउट हो जाता है। दैट्स हिस्ट्री जो हमें दिखाई देता है, जैसे विदेशों में हुआ, अमेरिका में हुआ, इटली में हुआ, ग्रीक में हुआ, इंडिया में भी वैसे ही होने वाला है, 100% होने वाला है। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि करीब करीब 16 लाख लोग एक झटके में इन्फेक्टेड होने वाले हैं, और ये स्टैट के हिसाब से एस्टिमेट किया हुआ है। सच है झूठ है पता नहीं, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि ये आंकड़ा करोड़ों में जाने वाला है। उसमें क्या है ना, ऑटोमेटिक जब तक जान जाती नहीं तब तक डर बैठता नहीं। अब सबको आदत पड़ गई है, लेकिन हमारा सोचना ये है कि हजारों में से एक मर रहा है ना, उसमें मैं तो नहीं हूँ, मेरा रिश्तेदार तो नहीं है, मेरा कोई पड़ोसी तो नहीं है ना, मतलब सब में एक एटीट्यूड आ गया, एक कॉन्फिडेंस आ गया है। लेकिन जब तक मैं जाता नहीं, मेरा कोई पड़ोसी जाता नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार जाता नहीं, तब तक आँख खुलने वाली नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते, पिछले 75 दिनों से डॉक्टर, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी अपना काम लगातार कर रहे, हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डाले। कई तो ऐसे भी हैं जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान गंवा दी ताकि हम सुरक्षित रहें। हमारे पास तो तबद्धुम का उदाहरण भी है, जिन्होंने अपने बहन को खोया है। अपने को खोने का दर्द वही जानता है जिन्होंने अपने को खोया है। लेकिन अभी हमको सब अपना अपना काम करना है, अपने आप को संभालना है, परिवार को संभालना है। जो भूखा है उसे खाना खिलाना है, चाहे इंसान हो या जानवर। बाकी सभी मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, ग्लव्स पहनो,
ये कहने का टाइम हो गया अभी खत्म। अभी सबको अकल आ चुकी है, जिसको करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना है वो नहीं करेगा, सिंपल एज दैट। लेकिन मेरी सबको ये रिक्वेस्ट है, रुद्र सूर्य ग्रुप और महिला बचत गट, आप सभी अपना ध्यान रखें, बाहर निकलो, हजारों की तादाद में अभी लोग बाहर निकल रहे हैं, अपना अपना सेफ्टी मूड चालू रखो। जैसे नागपुर महानगर पालिका ने शील्ड इस्तेमाल के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है, ये हमारे लिए सेफ है, समाज के लिए सेफ है, ऐसा कुछ ना हो कि हमारी गलती हो और हमारे जान पे आए, इसीलिए कवर अप योर सेल्फ, ऐसा ना हो ताकि हवा से उड़कर हमारे ऊपर कुछ ना आए, इसीलिए कवर अप योर सेल्फ। हमारे परिवार की, बच्चों की, समाज की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तो सबसे पहले हमें सेफ रहना होगा। कई बेसहारा लोग हैं, जानवर है, पशु पक्षी है, उन्हें हम बचा पाएंगे, इसीलिए अपना ख्याल रखो। बाकी सब ऊपर वाला है ना, देखने को संभालने को, जो होगा अच्छा ही होगा। खुद पे भरोसा करने का हुनर सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी अच्छे क्यों ना हो वो साथ छोड़ ही जाते। हमें जीवन से, अनुभव से सीखकर बदलने की जरूरत है। अगर हम बदलते नहीं तो वही रुक जाते हैं, अगर हम बदलते हैं तो आगे बढ़ते हैं। हमें आगे बढ़ना है कि नहीं? फिर से शुरुआत करने में कभी ना घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। चलो हम अपना अपना काम करते हैं।